अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर जनाब राशिद महमूद साहब। बहरिया टाउन फेस 7 से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और हम इस टाइम मौजूद हैं रूडन इनक्लेव की साइट पे। तो रूडन इनक्लेव की साइट के बारे में आज हमें राशिद साहब थोड़ा आगाह करेंगे कि राशिद साहब हमें थोड़ा बताएँ कि इस टाइम आप किस जगह पर खड़े हैं, ये कौन सा ब्लॉक है और जहाँ पर मशीनरी काम कर रही है वो कौन सी जगह है, आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। थैंक यू सो मच हसीब, वेलकम रूडन इनक्लेव। जैसा कि आपको पता है कि रूडन इनक्लेव अपनी अच्छी लोकेशन और मजबूत प्लानिंग की वजह से एक शानदार मुस्तकबिल रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बात करें तो अभी अब देखें मशीनरी लगी हुई है, हर तरफ काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह साइट्स के ऊपर, और इस वक्त हम खड़े हैं ए ब्लॉक के जो साइट ऑफिस है उसके ऊपर। अगर मैं इस तरह मेरे देखें राइट साइड के ऊपर, ये पीछे पाँच मरला के प्लॉट्स हैं, ठीक है, उसके साथ ये हाइट की तरफ आएँ तो इस तरफ आपके एक कनाल के प्लॉट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कैमरामैन मेरा लेफ्ट की तरफ साथ करे तो ये देखें मशीन की बैक साइड पे ये वाला एरिया आपका 10 मरला प्लॉट्स का है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कटिंग्स हो रही है। और इसी तरह कैमरामैन के राइट साइड के ऊपर वो हाइट के ऊपर हम जाएँ तो वहाँ पर आपके डोजर्स मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कह सकते हैं कि इस वक्त रूडन इनक्लेव सोसाइटी एक शानदार फ्यूचर रखती है, और उसके अलावा डेवलपमेंट की टीम जितनी स्पीड से काम कर रही है, हम कह सकते हैं कि ये 4 साल के बजाय 2 से 3 साल में इंशाल्लाह इस सोसाइटी इस लेवल पे होगी, अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सके। अच्छा, थैंक यू राशिद साहब, आपने हमें बताया जहाँ पे हमने देखा कि आपकी काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट में भी और ब्रोशर्स वगैरह में भी डैम व्यू की बात की जाती है, तो ए ब्लॉक से खड़े होकर डैम कहाँ पर वाक़ है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल असीब भाई, डैम एक अपनी लोकेशन अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। आप देखें अगर मेरी बैक की तरफ कैमरामैन दिखाए तो बिल्कुल मेरे राइट पे ऊपर बैक साइड के ऊपर खसाला डैम लोकेटेड है, ठीक है। इसकी लोकेशन और यहाँ पर इसके चश्मे का और इसका ब्लू पानी, इसकी जो है इसकी लोकेशन में रूडन इनक्लेव की लोकेलिटी में मज़ीद खूबसूरती पैदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। कह सकते हैं कि वाकई खसाला डैम जो है ना अपनी खूबसूरती की वजह से और हाइट और सोसाइटी की हाइट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार फ्यूचर रखती है। थैंक यू राशिद साहब, आपने हमें इस बारे में भी आगाह किया। तो इस सोसाइटी का टोटल एरिया कितना है? हाँ, टोटल एरिया असीब भाई इस वक्त 13,888 के आपका जिस जगह पर खड़े हैं ये फेज़ 1 है। टोटल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो ग्रुप के पास लैंड है आलमोस्ट 55,000 कनाल लैंड है, जिसमें ये फेज़ 1 कह सकते हैं, ठीक है, और ये 13,888 कनाल का पीस है। ठीक, तो राशिद भाई जैसा कि यहाँ पर अडियाला रोड के ऊपर पानी का बहुत बड़ा मसला है, तो क्या इस सोसाइटी में सोसाइटी के मैनेजमेंट ने पानी के लिहाज से क्या कोई अपने इंतजाम किए हैं वो भी थोड़ा बता दें। जी थैंक यू सो मच असीब भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है, ये बेसिक ज़रूरियात है किसी भी इंसान की, बेसिक ज़रूरत है पानी। पानी का वाटर टेबल की बात करें तो आपके इस लोकेशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी का लेवल है 70 से 80 फुट के ऊपर आपका पानी अवेलेबल है। आप इसी तरह अडियाला डोर के ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर चले जाएं तो वहाँ से 300 साढ़े 300 फुट के ऊपर पानी का वाटर टेबल है, लेवल है। ये सिर्फ वजह इस सोसाइटी का खसाला डैम है जहाँ चश्मे का पानी अवेलेबल है, और ये टोटल सोसाइटी खसाला और जावा डैम और खसाला डैम के दरमियान लोकेटेड है। अच्छा राशिद भाई, एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूंगा, रिंग रोड के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे आपकी रिंग रोड प्रोजेक्ट में किस तरफ है और उसकी इंटरचेंज कहाँ पर होगी, थोड़ा इस बारे में बताएं। जी थैंक यू सर, बेसिकली ये हर बंदे के क्वेश्चन जहन में आता है कि रिंग रोड बेसिकली इस प्रोजेक्ट की जान है, मतलब रिंग रोड जहाँ से भी गुजरता है सोसाइटियों के अंदर अपनी ठीक ठाक वैल्यू ऐड करता है उनकी इनकम के अंदर, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट साइड के ऊपर मेरा कैमरा मैन अगर मुझे दिखाए, ये लेफ्ट साइड के ऊपर बिल्कुल हमारा मेन एंट्रेंस है गेट की, ठीक है, मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही आपकी मेगा इंटरचेंज बन रही है, ठीक हो गया। उससे आगे कैमरा मैन आगे आए, ये देखे सामने, इससे आगे ये आगे आपकी मेन बुलेवर्ड है, दूसरा मेन बुलेवर्ड के ऊपर इसका इंटरचेंज दे रहा है, जो नेस्पाक के ज़राए से मुझे पता चला है आपका जो अंडरपास बन रहा है वो डी और सी जी ब्लॉक के करीब बन रहा है, ठीक हो गया सर। और इस वजह से ये आगे फिर चक्री के ऊपर इंटरचेंज दे रहा है जो रिंग रोड, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि रिंग रोड का जो कंसल्टेंट है वो भी नेस्पाक है और रूडन इनक्लेव का कंसल्टेंट भी नेस्पाक ही है। सही,
इसका मतलब है कि जो इंटरचेंज है रिंग रोड की वो सोसाइटी के अंदर होगी। जी बिल्कुल असीफ भाई, इस रिंग रोड की जो इंटरचेंज है बिल्कुल सोसाइटी के गेट के ऊपर है, उसका अंडरपास सोसाइटी के अंदर है। अभी कह सकते हैं कि आपका ये रिंग रोड सोसाइटी के अंदर से गुजरकर चक्री रोड के ऊपर जा रहा है। सही। अच्छा राशिद भाई, यहाँ से बहरिया बहुत आपके एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि बहरिया टाउन बहुत करीब है, तो मुझे क्या आप यहाँ से कोई थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि बहरिया कहाँ पर है, कितना दूर? बिल्कुल जहाँ पर हम असीब भाई अभी खड़े हैं, ये बिल्कुल आप फ्रंट के ऊपर देखें तो अवामी विलास का प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मेरा कैमरा मैन अगर बैक साइड पर दिखा सके, वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, वो अवामी विलास का प्रोजेक्ट है। और इसी तरह कैमरा मैन थोड़ा सा इस लेफ्ट साइड के ऊपर करे तो ये सामने बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन की लैंड है, जहाँ पर बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर इसके ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं जो बैरिया को पानी सप्लाई होता है, चूँकि पानी का वहाँ पर भी मसला है, आपका पानी यहाँ से ट्यूबवेल के ज़रिए वहाँ पर पहुँचता है। जी जी भाई, तकरीबन कितने परसेंट लैंड के ऊपर काम हो चुका है लैंडस्केपिंग का या डेवलपमेंट का, आप इस बारे में बताएं। बिल्कुल असीब है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होता है किसी भी डीलर का, किसी भी इन्वेस्टर का। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोसाइटी किस सोसाइटी, हम ये कहें कि 4 साल बाद कंपनी प्रोजेक्ट ये कर देंगे, उसके लिए देखना ये ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट ने 8 माह तक क्या डिलीवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोसाइटी ने 8 माह के अंदर आपकी 20-30% आपका अर्थवर्क कंप्लीट कर दिया है। देखें कटिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी की। आप इधर आगे अगर कैमरा मैन लेके जा सके तो उसकी कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और पीछे डी ब्लॉक की ट्रायंगल की कटिंग हो चुकी है, फार्म हाउसेस की कटिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच राशिद भाई, आपने अपना टाइम दिया और हमें रुडन एनक्लेव के बारे में गाइड किया। थैंक यू भाई। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।